students, in this video we shall going to learn the new chapter of first flight, chapter number 6, the 100 races 2. अब हमने जो fifth chapter था, the 100 races 1, उसमें जो story थी उसका पार्ट भी यहाँ पे दिया गया है, दूसरा जो एल्बर्ट और स्टर्न ने लिखी है. So let's start the story. While the class was circling the room, the monitor from the principal office broke Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention, class. Everyone back to their seat. When the suddenly of feet had stopped and the room was still and quiet. Miss Nelson said, I have a letter from Brenda's father that I want to read to you. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room breathed the tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Brenda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. Listen closely means listened with attention. So यहाँ पे हमारी story में बात उसी part की हो रही है जहाँ से हमने जो छोड़ा था पांच में जो chapter में हमने छोड़ा था. तो यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ दिनों से ब्रेंडा है वो स्कूल नहीं आ रही. देन व्हाई डोंट शी कम. अब वहाँ पे जो क्लास चल रही थी तो प्रिंसिपल की ऑफिस से एक मिस मेशन के लिए नोट आया. उस नोट में क्या लिखा था और वो नोट किसका था? तो वो नोट था उन्होंने जो बार बार देखा फिर उन्होंने कहा अटेंशन क्लास. क्लास को अटेंस अटेंशन देने करने के लिए फिर उन्होंने कहा कि ये जो लेटर है वो जो है ब्रेंडा के फादर का है. और उस लेटर में क्या लिखा था वो पढ़ने से पहले उन्होंने थोड़ी साइलेंस हो गई. सीरियस दिख रही थी उन्होंने अपने ग्लास को थोड़ा सा छुपा मतलब कि अपने आईब्रो मतलब कि अपनी आंख पे चढ़ाया ऐसे. और फिर उन्होंने कहा कि इस नोट में क्या लिखा है. और सब लोग बहुत ही शांत हो गए, सीरियस हो गए और टेंस भी थे कि इस लेटर में पता नहीं इसे क्या लिखा होगा. और सब लोग अटेंशन के साथ सुनने के लिए वहाँ पे बैठ गए. डियर टीचर, माय ब्रेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर. चेक आल्सो नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. नो मोर कॉलर कोला. No more collar, collar. No more ask. Why funny name? Tell plenty of funny name in your school, in the big city. Your truly, Jan Petronsky. अब जो जैन पेट्रोंस्की है वेंडा के फादर, उन्होंने ये लिखा था कि डियर टीचर अब वेंडा स्कूल नहीं आएगी और न ही जैक आएगी क्योंकि अब हम बिग सिटी में हैं. वो माइग्रेट कर रहे हैं यानी कि वहाँ पे वो रहने जा रहे हैं. वहाँ पे उन्हें कोई पोलाक पोलाक मीन्स के जो पोलैंड में लोग रहते हैं उन्हें पोलाक के उनका मजाक उड़ाया जाता है. तो वो अब बिग सिटी में उन्हें कोई मजाक होगा नहीं उड़ाएगा उनको नाम को लेके उनके फ़नी नेम को लेके जैसे यहाँ पे आपके स्कूल में जब उनका मजाक उड़ाया जाता है. और वहाँ पे क्यों मजाक नहीं उड़ाया जाएगा क्योंकि बिग सिटी में बहुत सारे फनी नेम्स ऑलरेडी होते हैं. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ द लेटर. मिस मेंशन टू कॉफर ग्लासेस बिलो अ नेम एंड शी पुट पेन अगेन द एंड लुक एट द क्लास. व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी गुड. रूम 13 ग्रुप. आई एम श्योर that none of the boys and girls in room 30 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said was in thoughtlessness. I knew
that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both. And I want you all to think about it. Miss Mason is to of her class and say to the class that कि वो श्योर है कि पर्पसली या फिर किसी भी इरादे से किसी ने रूम नंबर 30 में मेटा का मतलब नहीं उठाया होगा, पर अनफॉर्चुनेटली उनसे ये मिस्टेक हो गई है। ना चाहते उन्होंने अगर ये मिस्टेक की है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और सैड वाली बात है कि किसी ने उनके नाम का मजाक उड़ाया है। द फर्स्ट पीरियड वॉज द स्टडी पीरियड। Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. She had very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently. That was just as bad as what Peggy had done. Rush, she was a coward. Coward means क्या होगा? मैं इसके जो जिनमें हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की उन्हें coward कहते हैं। तो यहाँ पे Peggy, at least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in the Wanda's shoe. अब यहाँ पे पैगी और मैडी जो मेंडा का मजाक उठा दी और मैडी को जो है पहला पीरियड जो सर्दी का होता है तो मैडी अपना पूरा ध्यान इसमें लगाना चाहती है, पर वो नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे मेंडा भी याद आ रही है और पैगी और उसने जो मेंडा के सामने किया था मजाक उड़ाया था वो उसे याद आ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। वो कह रही है कि मुझे वहाँ पे साइलेंटली खड़ा नहीं रहना चाहिए था, मुझे पैगी को रोकना चाहिए था उसका मेंडा का मजाक बनाते वक्त, और उसने ऐसा नहीं किया था और शायद उन दोनों की वजह से ही मेंडा है वो उसको छोड़ के जा रही है। वो सोचती है कि अब उसे माफ़ी मांगनी चाहिए मेंडा से, और उसके जो उसने जो गलत काम किया है उसने उसका मजाक उड़ाया है तो उसके लिए उसको सॉरी बोलना चाहिए। गुडनेस, व्हाट्स नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। If only she could tell Wanda, she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying her. Well, whether Peggy fared badly or not, she, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petrowski. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the highest with her. And they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were good. अब यहाँ पे बात की है कि वो चाहती है कि पैगी भी उसकी गलती रियलाइज करे और वो दोनों जाके वेंडा को ढूंढे और वेंडा को सॉरी बोले। तो वो पैगी से बात करना चाहती है, पर पैगी अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी तो उसकी तरफ नहीं देखती है। और वो मैडी सोचती है कि शायद अभी तक वेंडा या सिटी जो हमारी सिटी है वो छोड़ नहीं गई होगी, तो उसे वेंडा को ढूंढना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए और उसे जो है सॉरी बोलना चाहिए, और पैगी को भी कहना चाहिए कि वेंडा तुमने जो 100 ड्रेसेस बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उसे कहना चाहिए कि तुम ये सुन छोड़ के बच्चा। When school was dismissed in the afternoon, Peggy says with the pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब तो पैगी को तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं, ऐसा लग रहा था वो कैजुअली बोलती है कि चलो हम देखते हैं कि वो दोनों लोग जो है पेवेंडा और वो लोग ये सिटी छोड़ के गए कि नहीं। So Peggy had the same idea Maddie clothed. Peg was really all right. So अब मैं Peggy भी वही सोच रही थी जो Maddie सोच रही थी, उसके घर जाकर उसको मतलब उन्होंने अभी तक हो गए हैं कि नहीं गए हैं वो देखने के लिए जाने की सोच रहे थे। The two girls hurried out of the building. A
straight toward the boggy heights, the part of the town that wore such a forbidding air. No, this kind of a November afternoon, dazing, dumb and dismal. Dazing and dismal means wet or sad. Here is a hopelessness. तो अब जब वो दोनों जल्दी से स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकल कर कहाँ जाती हैं, बोगीज हाइस, जहाँ पे वेंडा का घर, जहाँ पे वेंडा रहती थी, तो वो दोनों वहाँ पे जाते हैं वेंडा को देखने। तो वहाँ की जो सिचुएशन वो डिस्क्राइब की है कि जो बोगीज हाइस है वो कैसा होता है, एकदम रश था, फॉरबिडेड था, नवंबर आफ्टरनून में वो डाउन को डिसमल दिख रहा था, वेट सैड होपलेसनेस लग रही थी वो जगह जहाँ पे वो लोग गए थे। Well, at least say Teddy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the same sense of humor how we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and geek. Look how she is drunk. Mary could say nothing all three folks won't be. That they would find Brenda, she wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the ball school thought she was, and please not to move away, everyone's will be nice. यहाँ पे पेगी है वो कहती है कि मैंने कभी उसे फॉरेनर नहीं कहा, मैंने कभी उसको मजाक इस तरह से नहीं उड़ाया, मैं तो जस्ट ऐसे ही उससे बात करती थी। और वो सोचती है कि उसने जो ड्रॉ किए हैं वो भी कुछ खास नहीं है, 100 ड्रेसेस वो भी एकदम जो है वो भी हैं ठीक है, मतलब दिखने में। मैडी कहती है कि वो उसको पैसे कुछ बोलना नहीं चाहती, वो बस सोच रही है कि मुझे मामला बस सॉरी बोलना है कि वॉन्ट टू से सॉरी टू दी वेंडा फॉर दिस मिसबिहेवियर एंड मैडीज मिसबिहेवियर। एंड वो कहती है कि उसे मतलब वेंडा बहुत अच्छी लगती है, उसे ये काम छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमारी जो ये स्टोरी है आज हम यहीं तक रखेंगे, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में।